मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज एक ऐसी खबर है जो आपको भी दुखी कर देगी, क्योंकि लखनऊ से इलाहाबाद ऐसी खबर आई है कि उमा दत्त शुक्ला चले गए। मित्रों ये बिल्कुल सच बात है कि महाराज जी के जो भक्त हैं वो एक एक करके विदा ले गए। आज जो भक्त हैं उनसे मिलने का मन करता है, परिस्थितियां जिनसे होती हैं उनसे मिल भी आता हूं, और जब जीवन बाबा गए तो अंतिम दिनों में मेरी मुलाकात हुई थी, बेहद वेदना में थे लेकिन महाराज जी को याद कर रहे थे। आज उमा दत्त शुक्ला की खबर आई है दादा के पास कि उमा दत्त शुक्ला चले गए। कराह उठे, उनका दिल चीत्कार करने लगा। भक्त जब जाता है तो भगवान भी इस देह लीला में दुखी होता है ना, लेकिन उनको जाना भगवान के ही पास है। तो उमा दत्त शुक्ला के जाने की जब खबर आई तो दादा के जेहन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं, जो बातें उन्होंने महाराज जी के तख्त के सामने बैठ के एक दूसरे के सानिध्य में दोनों ने की थी वो यादें आ रही हैं। उन्हें याद आ रहा है कि उमा दत्त शुक्ला ने महाराज जी की बड़ी सेवा की, गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम ये दोनों को उन्होंने साथ साथ चलाया। महाराज जी ने उन्हें निर्देशित भी किया और गृहस्थ आश्रम भी चलता रहा, और जब अंतिम दिनों में वो घर में रह रहे थे, महाराज जी तो मानव देह लीला से चले गए थे और उमा दत्त शुक्ला आर्थिक विपन्नता तो उन्होंने शुरुआत से झेली थी, लेकिन जो उनके अंतिम दिन थे उस समय आर्थिक विपन्नता नहीं रही थी तो ठीक ठाक व्यवस्था में आ गए थे, लेकिन घर वालों की तरफ से अपनी संतानों की तरफ से उन्हें अनुभव अच्छे नहीं रहे। याद करते हैं दायित्व और उत्तरदायित्व के जिस संतुलन के साथ उन्होंने जिंदगी को जिया उसमें जो अनुभव थे वो कट अनुभव थे, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन कभी पद धन यश और शक्ति का इस्तेमाल ऐसा नहीं किया, चाहा नहीं कि हमारे पास ये हो, जबकि महाराज जी के पास न जाने कितने लोग पद धन यश और शक्ति की चाहत और उसकी पूर्ति भी करवा ले गए। और उनके पास रहने वाले उमा दत्त शुक्ला ने कभी अपनी ऐसी मन की चाहत महाराज जी को नहीं बताई। चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उमा दत्त शुक्ला ने पूरे जीवन उसे नहीं मांगा। दादा याद करते हुए लिखते हैं कि एक बार महाराज जी ने कहा कि कुछ मांग लो, उमा दत्त शुक्ला ने कहा कि आपने मेरी आदत खराब कर दी है, मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है तो मैं क्यों मांगू, आप मेरे मन की बात जानते हैं, आप मेरे मन की बात पूरी कर देते हैं। महाराज जी ने एक बार फिर कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम कुछ मांग लो। उमा दत्त शुक्ला ने कहा कि मुझे नहीं मांगना है, और आपको बताएं कि महाराज जी के प्रयास करने के बावजूद जब उन्होंने नहीं मांगा
तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भक्त का जो गुरिया होता है, भक्त की जो संख्या होती है या जो काउंटिंग सीट होती है, उस शिखर की तरफ होती है। उमादत्त शुक्ला ने पूरे जीवन कुछ नहीं मांगा और महाराज जी के कहने पर भी कुछ नहीं मांगा। चाहते तो बहुत सारी स्थिति ऐसी कर सकते थे, अनुकूल कर सकते थे, जिनमें उन्होंने प्रतिकूलता प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह किया। तो मित्रों, जीवन के अंतिम दिनों में उमा दत्त शुक्ला अपनी परिस्थितियों में जीते रहे और उन्होंने कभी भी कोई किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि जिनसे कष्ट मिला और जिनसे सुख मिला, दोनों को उन्होंने भोगा और महाराज जी के भक्तों को रुलाते हुए इस संसार से विदा ले, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दस्तक मीडिया परिवार की तरफ से ये अंक मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। जय माता। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।